हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आप लोग का देसी ब्लॉगर के साथ। सो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ टीवीएस अपाची आरटीआर 200 4VBS6 का स्मार्ट एक्स कनेक्ट जो है वो कैसे कनेक्ट करते हैं मोबाइल के साथ। सो मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ मोबाइल का, तो आपने देख ही लिया होगा यूट्यूब में। लेकिन क्या होता है, यूट्यूब में ज़्यादातर वीडियो देखने के बाद भी आपको ये पता नहीं चलता है कि कैसे मिलता है पासवर्ड। मेन फैक्ट है जो पासवर्ड कैसे मिलता है। सो प्रॉब्लम क्या है, मोबाइल का जो भी है सेटिंग, आपने जो टीवीएस का एक्स कनेक्ट ऐप डाउनलोड करना पड़ता है वो तो आप कर ही लोगे, उसका तो पता चल ही जाएगा, इतना तो आता ही होगा आप लोगों को। लेकिन क्या है, जो पासवर्ड कैसे मिलता है, एक्चुअली क्या होता है, ज़्यादातर जब मैंने भी नया परचेस किया था बाइक, तो मैंने भी पहले उसको स्मार्ट एक्स कनेक्ट नहीं कर पाया था। तो ये इस टाइम क्या है, मैं स्मार्ट एक्स कनेक्ट कैसे करते हैं, एक्चुअली जो मैनुअल मोड है वहाँ पे दो बटन दिया गया है, वो दो बटन में सबको क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाता है कि कैसे होता है। सो मैं वही आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो आपके मोबाइल के साथ। और जो है मोबाइल का फंडा देख लेना, मोबाइल का फंडा मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ वीडियो को, नहीं तो मैं भी दे सकता था स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्ड दे भी सकता हूँ। आप लोग कहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। लेकिन इसमें क्या है, ये देखते हैं कि क्या होता है। सो कैसे करना पड़ता है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ना हमारा अपाची आरटीआर में, तो उसमें कैसे कनेक्ट करते हैं वो चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, तो बने रहे वीडियो में। गाइस ये है हमारा बीस्ट वाइट कलर में, वाइट पैरल कलर में आप देख सकते हो। पैरल कलर क्यों बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन मेरे को तो वाइट ही दिखता है हर टाइम में। सो ये मैंने अपना की को ऑन कर दिया है, देख सकते हो। अभी मेरा गाड़ी है बीएसएक्स मोड के साथ है, एक्चुअली हाँ मोड के साथ है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कैसे करना, सर्विस ड्यू भी है, सर्विस का टाइम भी आ चुका है। फिलहाल तो लॉकडाउन चला है इसीलिए मैं इसको सर्विसिंग में लेकर नहीं जा पा रहा हूँ, थोड़ा माइलेज भी मेरा कटते आ रहा है। तो यहाँ पे मोड बटन, यहाँ पे बटन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, मोड बटन को पहले एक बार क्लिक करना है, दो बार क्लिक करना है, तीन बार क्लिक करना है, लैप टाइमर आ गया, फिर आ गया हाई स्पीड मोड, फिर आ गया 0 to 60, फिर आ गया एवरेज स्पीड, फिर आ गया इसको आपको दबाते रहें, लैप टाइमर सॉरी हाई स्पीड मोड, एक एवरेज स्पीड। तो इसके बाद क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखना है इसको। एक क्या है, सेट एमपीएच मोड, फिर इसको आप क्लॉक सेटिंग, इसको आप दबाते रहिए, जब आप लॉन्ग प्रेस करते हो उसके बाद ही करना है, लॉन्ग प्रेस करना है 10 सेकंड के लिए, उसके बाद क्लॉक सेटिंग आता है, उसके बाद फिर ब्लूटूथ रिपेयरिंग मोड, जब यहाँ पे आता है तब आप ये वाला बटन दबा दो। नो डिवाइस कनेक्टेड, क्योंकि अभी मैंने अपना ब्लूटूथ ऑन नहीं किया है इसीलिए नो डिवाइस कनेक्टेड दिखा रहा है। सो यहाँ पे मैंने एक्चुअली पहले से यहाँ पे मेरा मोबाइल को कनेक्ट करके रखा था, इसीलिए मेरे को यहाँ पे नया पासवर्ड नहीं दिखा रहा है। लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।